पीछे कितना मस्त व्यू आ रहा है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, न्यू मोटो व्लॉग। सो गाइज, आज है संडे और संडे राइड पर हम निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं एक राइड पर जो कि है इनवाइटेड बाय चोपड़ा हेलमेट्स। चलो चलते हैं और राइड पे मिलते हैं। चलो भाई, हम स्टार्ट हो चुके हैं हमारी राइड। तो भाई हमारे अनीश भाई हमारे बगल में खड़े हैं। ये लो दिखा देते हैं आपको। तो भाई अपना देसी जुगाड़ है और रमन भाई हमारे वहां पे अंदर बनू। चलो 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 चलो। तो भाई आपको सामने बाइक दिख रही होंगी आई होप। अगर नहीं दिख रही होगी तो मैं वैसे करके दिखा दूंगा आज, क्योंकि आज तो मेरे हैंड में है। ये देखो। सो भाई लोग, आप देख सकते हैं आज आ गए हम राइड में इनवाइटेड बाय चोपड़ा हेलमेट्स। तो दो लेन में राइडिंग का प्लान है, तो कभी कोई फॉलो तो करता नहीं है। और सामने हमारी हार्ले डेविडसन और भाई आगे हमारी FZ और रमन भाई हमारे R15 पे है। बाकी हमारे शायद और कोई मेंबर अभी दिखा नहीं है। और भाई हेलमेट बड़े जुगाड़, आज कैमरा बड़े जुगाड़ से लगा रखा है यार, तो फ्रेम व्रेम कटे तो थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना। तो भाई अभी मैं आपको कैमरा उठा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज तो मेरे हैंड में है, ये आपको दिख रहा होगा सारा कुछ। और इधर से पीछे तक भी सारी राइड ही राइड है, बाइक ही बाइक है। और ये हमारी ड्यूक, होप सो कि यार फ्रेम अच्छा आए बस। सो भाई देख सकते हो यहाँ पहुंच गए हम अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, और यहीं पे हमारा ऑर्गेनाइज है हमारा इवेंट जो है चोपड़ा हेलमेट ने इनवाइट किया है। सभी राइडर्स हैं, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आसपास का एरिया मैं आपको दिखा दूंगा कुछ इस तरीके से। अभी अभी धूप निकल रही है भाई, गरम गरम लग रहा है थोड़ा सा। और भाई होप्सो की आवाज़ अच्छी आ रही हो, आवाज़ तो अच्छी आएगी क्योंकि मैं माइक तो लगा ही रखा है, बट थोड़ा सा फ्रेम का इशू है, फ्रेम नहीं दिख रहा है मेरे को, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो कि किसका दिख रहा है किसका नहीं। पूरी मेट्रो पार्किंग भर चुकी है, इतनी सारी बाइक्स हो गई है। पता है ये सभी चीजें परमिशन के अकॉर्डिंग हुई होंगी। लोगों आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने फोन से ब्लॉग कर रहा हूँ और सारे राइडर्स आ चुके हैं। भाई कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। अभी अंदर जाएंगे शोरूम जहाँ पे चोपड़ा हेलमेट का शोरूम है। भाई यहाँ पे मजे चिल हो रहे हैं, भाई लोग अपना डांस कर रहे हैं मस्त एकदम। यहाँ पे थार में गाने चला रखे हैं और हमारे राइडर सारे सभी जा रहे हैं लोकेशन की तरफ, और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें और क्या क्या है आज का इवेंट का प्रोग्राम। वहाँ पे जा रहे हैं और हमारे सारे राइडर, हमारे मेरे ग्रुप के राइडर तो वहीं पे चले गए हैं, और ये BAC वाले सारे जो कि बजाज एवेंजर क्लब। सो भाई कुछ इस तरीके से लोकेशन है और धूप एकदम मस्त निकली हुई है और राइडिंग सारी इधर भी जितने भी हैं, बाइक्स इधर खड़ी हैं, जितने भी आप जहाँ तक देखोगे पार्किंग ही पार्किंग है, बाइक्स और हमारे राइडर्स जितने भी हैं। सो आपने भी नाम सुना होगा चोपड़ा हेलमेट्स का, करोल बाग में है, आज इनका एक शोरूम का यहाँ पे ओपनिंग है। तो ये राइड का कुछ थीम्स वगैरह हैं, जितने भी यहाँ पे राइडर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा माहौल एकदम बना हुआ है, एकदम बहुत बढ़िया। तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर इवेंट हो रहा है, हमने नाश्ता पानी कर लिया है हमारे अनीश भाई, और अभी यहाँ पे सारे राइडर यहाँ पे आए हुए हैं। काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया माहौल लग रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग यहाँ आए,
सुंदर रोज खुश होते हैं। मेन मैसेज जो है हमारी राइड का वो था ऑन द एयर ऑन द लाइन, जो भी आप राइड कर रहे हैं, आप पल्सर का राइड कर रहे हैं या KTM या हार्ले व्हाटएवर बाइक यू आर राइडिंग, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेफ्टी। सेफ्टी के लिए ऑल द गियर्स ऑल द टाइम ऑन गियर्स के लिए चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। थैंक यू सो मच किसान भाई। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है आज के राइड के लिए, राइड ऑफ ने हर राइडर को 50,000 का इंटरेस्ट दिया है। आप कुछ इस बाइक कौन सा बाइक भाई है? R15 40 4.0 और कुछ इवेंट हमारा इस तरीके से ख़त्म हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल। अभी सडनली प्लान बनाया क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था, लेपर्ड ट्रेल जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत गेड़ी मार के आ जाते हैं, फिर मैं जाऊंगा वापस घर और जो बचे कुचे काम है वो कर लेंगे। सामने हमारे दो दो राइडर्स, एक मिक्की व्लॉग्स जिसको आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा और एक हमारे अनुज भाई हार्ले वाले, इनको सर्टिफिकेशन भी मिल गया। यार हम ना रुक नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मैनेज ना हो नहीं पा रहा सब कुछ। सो अभी निकल रहे हैं यहाँ से और लेपर्ड ट्रेल जाके मिलते हैं आपको। और ये हमारे रमन भाई यहाँ से निकल रहे हैं। सो ये चारों बाइक्स हमारी, बाइक का नाम भी नहीं पता मेरे को तो, बट लग रही है बढ़िया बाइक्स। और भाई साउंड इतना तगड़ा है ना, बस पूछो मत। तो भाई अभी ये है अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, उसके नीचे ही थे जस्ट हम। यहाँ से लेपर्ड ट्रेल जाता था 10 किलोमीटर दूर होगा आई थिंक, 10 होगा नहीं कम है, ज़्यादा है 10 से 15 होगा, तो ज़्यादा नहीं है 10 से 15 किलोमीटर राइड है। यहाँ से निकलते हैं और अपनी बाइक भाई वहाँ खड़ी है वहाँ आगे। और ये रहा भाई अन्नी भाई, भाई लेपर्ड ट्रेल जा रहे हैं फिर से एक बार घूम के आ जाते हैं। ये अपनी बाइक और भाई इंजन चेक लाइट आपको दिख रही हो तो देख लेना। कहाँ गए भाई बाकी, कहाँ है वो लोग, गए क्या? ये आई हमारी हार्ले भाई आगे से, भाई तेज चलाने में बहुत ज्यादा डर तो लगता है। तो भाई हम ले रहे हैं हार्ले डेविडसन की राइड आज मोटर ब्लॉक के साथ और मेरी बाइक चला रहे हैं अनिश भाई, सामने आपको दिख रही होगी। ओ भाई ये तो एक्सीलेटर देते ऐसे भाग रही है ना, वाह भाई वाह। मैं चलाऊंगा इसे स्लो स्लो बिल्कुल, क्योंकि भाई डर लग रहा है, हाईवे बाइक लग रही है एकदम। और तीनों चारों राइडर हमारे आगे जा रहे हैं, सामने भाई पहाड़ देख रहे हो, जितने भी पहाड़ हैं वो देखो, ये देख रहे हो भाई एक नंबर का व्यू है। पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं एडिटर में डाल दूंगा, वहाँ पे टैप करके देख लूंगा आराम से। चलो भाई राइडर स्विच हो रहे हैं फिर अपनी अपनी बाइकों पे आ रहे हैं और भाई मस्त मजा आया इसे चला के, बहुत मजा। अब ये भाई हमारी, चलो भाई वापस आ गए हैं अपनी वाली बाइक पे। हाँ
इसमें तो भाई बिल्कुल अजीब लग रहा है, इसमें पैर आगे थे, इसमें पैर पीछे जा रहे हैं। तो भाई नियर बाय कैफे में आ गए हैं लेपर ट्रेल के, और ये हमारे मिक्की भाई, ये आ रहे हैं अपने सींग हिलाते हुए और ये हमारे भाई अनुज भाई, हार्ले डेविडसन वाले भाई। सो अभी भाई यहाँ पे आए हैं, कुछ खाते पीते हैं, पहले अंदर देखते हैं इवेंट कोई चल रहा है, इधर से चलते हैं ना, देखते हैं अंदर क्या इवेंट चल रहा है या कुछ चल रहा है। तो और लोकेशन आप देखो भाई, लोकेशन भाई आप देख सकते हो, सारी बाइक्स हैं, पिकनिक्स वगैरह है, फैमिली भी पिकनिक्स पे आए हुए हैं। और भाई यहाँ पे बाइकों का रोड सारी बाइकें यहाँ पे गोल राउंड राउंड घूम रही है। आई थिंक से कि कोई पिकनिक प्लान है या पब्लिक या फिर कोई प्लान है, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, बट जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, हमें तो बढ़िया लग रहा है, सारी बाइकें राउंड राउंड घूम रही है। देख रहे हो पीछे कितना मस्त व्यू आ रहा है। सो भाई लोगो, यहाँ से कुछ लोकेशन इस तरीके से दिख रही है, और अभी हम आ गए हैं अपस्टेयर्स पे, मतलब रूफ टॉप इन्होंने बना रखा है एक बढ़िया, और लोकेशन यहाँ से देख रहे हो भाई क्या गजब लग रही है। धूप पड़ रही है ना, जो यहाँ पे ये गुड़गांव के जो पहाड़ है, मतलब गुड़गांव का अपना मसूरी, अरे भाई गुड़गांव के पहाड़ ही बोलते हैं लोग इन्हें, अरावली हिल्स पहाड़ों की तरह नहीं है, कूड़े के पहाड़ कूड़े के तो नहीं है, बस ये सूखे पहाड़ है पत्थर वाले, और ये वही अरावली हिल्स है जो बचपन में किताबों में पढ़ा होगा लड़ाई हुई थी अरावली हिल्स में। सो भाई सारी भाई लड़ाई कहाँ हुई थी ये नहीं पता भाई उस कोने में। सो भाई अपने पराठे और चाय, सो भाई ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे टोटल टोटल कैफे का नाम है और लेपर ट्रेल में पड़ता है, और पराठे वराठे खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से, कुछ गिम्बल से शूट वगैरह करते हैं। ये अपनी हार्ले खड़ी है भाई यहाँ पे, ये इम्पल्स, ये जीटी भी आ गई भाई, जीटी देख लो आप, आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखी होगी जीटी हमारी, और ये अपनी एफजेड और अपनी पल्सर N160। तो भाई व्यूज काफी बढ़िया है यहाँ का, और चलते हैं अब, थोड़ा बहुत गिम्बल से शूट वूट करना है, रील्स वील्स के लिए शूट कर रहे हैं, और चलते हैं। सो भाई सारा रील कंटेंट शूट हो चुका है हमारे मिक्की द व्लॉग्स ने, बहुत बढ़िया कंटेंट शूट कराया, गिम्बल का कोई यूज नहीं भाई, गिम्बल ले लेना मेरे बैग में सो भाई गिम्बल भूल गए थे भाई, उनको गिम्बल देते हैं। और भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, और हमारी सारी बाइक्स रेडी हो चुकी हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, डालने का टाइम पता नहीं कब मिलेगा, बट ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी डाल देंगे, और अभी चलते हैं। और भाई यहाँ का जो व्यू है ना, अब देखो धूप देखो, और भाई क्या मस्त नजारा है यार, उस दिन आए थे हम, उस दिन धूप नहीं थी, तो यहाँ से भाई लेक है, और भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है ना। ये खड़ी भाई अपनी N160, अब निकलते भाई, सबसे पहले जो जो काम पेंडिंग बचे ना वो कर लेते हैं, और निकल रहे हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते जल्दी ऐसे कुछ अच्छे ब्लॉग्स में।